हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं प्लास्टिक वायर से एक स्टैंड फ्लावर बनाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, इसी डिज़ाइन का बनाऊंगी। ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। देखिए, हम इसको कई सारा कलर में बनाए हैं। आप एक कलर का भी बना सकते हैं या तो सभी कलर का बना के एक स्टैंड में सेट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में फ्लावर बनाने बताएँगे फ्रेंड्स, आगे किसी वीडियो में बताएँगे कि इसको स्टैंड में सेट कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी फ्लावर एक साइज का बना है। आपको अगर ये फ्लावर डिज़ाइन पसंद आता है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, जिससे कि हम इस तरह का न्यू डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 5 फीट का वायर हम ले लिए हैं और वायर का एक किनारा अब हम हाथ में लेंगे और वायर का उल्टा तरफ ऊपर रखना है फ्रेंड्स। और इसी तरह उंगली पे रखते हुए हम 3 बार इसको घुमाएंगे, फिर उंगली पर से नीचे उतारेंगे और वायर का दूसरा किनारा पकड़ेंगे। देखिए, इसको नीचे तरफ से डालना है फ्रेंड्स, नीचे तरफ से ऊपर की तरफ खींचना है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह इसको खींचना है और वायर का उल्टा तरफ ही ऊपर रखना है, जैसे कि उंगली पे हम घुमा रहे थे उल्टा तरफ ऊपर रखते हुए। फिर नीचे तरफ से वायर हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। देखिए हो गया। फिर नीचे तरफ वायर को मोड़ेंगे और फिर नीचे तरफ से हम वायर डालेंगे ऊपर की तरफ। इसी तरह पूरे में रोल कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए, हम वायर का उल्टा तरफ ऊपर रख रहे हैं। इसी तरह लास्ट तक इसको हम रोल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये लास्ट स्टेप है। मेरा ये 10 स्टेप में पूरा कवर हुआ है फ्रेंड्स। हमेशा आप एक उंगली पे ही इसको रोल करेंगे तो आपका फ्लावर एक साइज का बनेगा, और अगर वायर एक साइज का रखेंगे तो सभी फ्लावर एक साइज का बनेगा फ्रेंड्स। देखिए, अब हम सभी स्टेप पे इसको रिपीट करते हुए जाएंगे। मेरा ये 10 स्टेप है तो सभी पे हम एक एक बार इसको रिपीट करते हुए जाएंगे। देखिए, मेरा ये वाला भी 10 स्टेप में ही बना था फ्रेंड्स। तो हम हमेशा एक उंगली पे ही रोल करते हैं, जिससे कि फ्लावर एक साइज का बने और वायर भी हम हमेशा एक साइज का लेते हैं, जिससे कि फ्लावर सभी एक साइज का बनता है तो देखने में थोड़ा ठीक लगता है। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको 10 स्टेप में पूरा कवर किए थे एक रोल। तो अब सभी के ऊपर हम वायर को रिपीट करते हुए जाएंगे। देखिए, एक स्टेप में हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर आगे का स्टेप में हम रिपीट कर रहे हैं। इसी तरह हम इसको रिपीट करते हुए जाएंगे। तो चलिए, हम लास्ट तक इसको रिपीट कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम बहुत धीरे बना रहे हैं, जो कि इसको कोई भी अच्छे से बना पाए। देखिए फ्रेंड्स, कैसा बन रहा है। इसी तरह एक के बाद एक के ऊपर रिपीट करते हुए जाना है और 5 इंच छोड़ के सभी वायर को इसमें ऐड कर देना है फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम सभी वायर इसमें ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा लास्ट तक पूरा हो चुका है। देखिए, 5-6 इंच लगभग वायर बचा है। अब इसमें हम पत्ती सेट करेंगे फ्रेंड्स। तो पत्ती सेट करने के लिए हम इसको तिरछी कट कर दिए हैं, जिससे कि पत्ती सेट करने में आसानी होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम 2 तरह का पत्ती इसमें सेट करेंगे।
अगर आपके पास एक तरह का भी पत्ती है तो सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर नहीं भी है तो ऐसे भी इसको स्टैंड में सेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन देखने में। देखिए फ्रेंड्स, पत्ती सेट हो चुका, आप लोग को कैसा लगा ये फ्लावर डिज़ाइन फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी फ्लावर एक साइज का बना है, हमको तो ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि मैं इस तरह का डिज़ाइन आप लोग के साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल पे आपको कई सारा इस तरह का प्लास्टिक वायर डिज़ाइन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।